सैमसंग के किसी भी मोबाइल फ़ोन से आप अपने वाईफाई राउटर से कनेक्टेड है और उस वाईफाई राउटर में आप लॉगिन करना चाहते हो, किस तरीके से कर सकते हो वीडियो बताने वाला हो, वीडियो करने तक देखना। चलिए तो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में वाईफाई को ओपन करना है। वाईफाई को ओपन करने के बाद जिस भी वाईफाई राउटर में कनेक्ट या फिर उसमें लॉगिन करना चाहते हो उस पर उसको सबसे पहले कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो करेगा मैनेज राउटर, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके नीचे जो भी वेबसाइट होगी उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली स्मॉल लेटर में यूज़र टाइप करना है। यहाँ पर भी पासवर्ड की जगह पर भी आपको सिंपली यूज़र टाइप करके साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करते हो आप जिस भी वाईफाई से कनेक्टेड है उस वाईफाई राउटर में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि मैं मेरे वाईफाई राउटर में लॉगिन हो चुका हूँ। तो क्या जिस तरीके से आप सैमसंग मोबाइल का इस्तेमाल करके किसी भी वाईफाई राउटर में लॉगिन कर सकते हो। गाइस वीडियो चलोगे तो लाइक जो करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में।